हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये BSF, SSB, CRPF, CISF, ITBP और असम राइफल्स आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होगा ग्रीक, दूसरा देवनागरी, तीसरा रोमन, चौथा अरमाइक। इसका सही उत्तर है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 22। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपको प्रश्नों के उत्तर पता है। तो इसका सही उत्तर है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। सही उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली को हिंदी के मानक रूप में स्वीकार किया गया है। चौथा प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 5। और सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तीसरा है अज्ञेय ने और चौथा है बाबू गुलाब राय ने। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में और संस्कारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है भाष्य, दूसरा है भाष्य, तीसरा है भाष और चौथा है भास। तो इसका सही उत्तर है भाष। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है यहाँ। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है वाक्य, चौथा है लेख। तो आप सभी जानते हैं शब्द का भी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का, वाक्य का। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा लेख। लेख भाषा का अंग नहीं है। आठवां प्रश्न है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है भाव, चौथा ऑप्शन है वाक्य। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि चिन्ह। नाइन्थ क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है विचार, तीसरा है ध्वनि चिन्ह, चौथा है वाक्य। तो ध्वनि चिन्हों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। तो सही उत्तर है ध्वनि चिन्ह। प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? पहला ऑप्शन है सौरसेनी, दूसरा ऑप्शन है मागधी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। और सही उत्तर है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो इसके लिए ये आज का हिंदी भाषा के परीक्षोपयोगी मॉडल प्रश्न का हमारा पहला भाग है। इसके अन्य भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आपको इससे संबंधित और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।